टेम्परेचर कंट्रोलर मॉडल है हमारे पास XMTD 2001, इसकी रेंज है 0 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये भी के टाइप का मॉडल ही है। और इसमें इसका टेम्परेचर कंट्रोलर का हम सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, और ये रेंज तकरीबन 1200 तक इसमें ये जाता है। तो फिलहाल हम ये रूम टेम्परेचर में, तो हम इसको चेक करने के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखेंगे, ताकि हम ये चेक कर सकें कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है। और इसके कनेक्शंस की बात करें तो इसमें कनेक्शंस पिन है, 1 से 12 तक कनेक्शन पिन हैं इसकी। 1 और 2 पे हम इनपुट के लिए कनेक्ट करेंगे थर्मोकपल, और उसके बाद इसकी एसी सप्लाई पे हम 11 और 12 पे एसी सप्लाई लगेगी। वैसे ये 85 से 242 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकता है। तो उसके अलावा इसकी जो आउटपुट हमने लेनी है, 7, 8 और 9 से हम इसकी आउटपुट ले सकते हैं। और 7 बेसिकली इसकी नॉर्मली क्लोज है, और 8 पे कॉमन वाली पिन, और 9 पे हम नॉर्मली ओपन इस पर लगा सकते हैं। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम करके देखते हैं इसको थर्मोकपल के साथ। इसकी सेटिंग हमने 30 पे की हुई है, तो हम ऑपरेट करके देखते हैं अभी इसको। फ़िलहाल ये रूम टेम्परेचर पे है, तो 26 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, और अभी हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ करके देखते हैं कि इसका लोड शिफ्ट होता है या नहीं। जैसे ये 32 पे आया टेम्परेचर इसका, तो इसका लोड शिफ्ट हो गया। तो अब जैसे ये टेम्परेचर दोबारा 30 से लेस होगा, तो लोड दोबारा शिफ्ट होकर अपने ओरिजिनल लोड पे आ जाएगा।